स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा के गम्हरिया थाना क्षेत्र के बबनी वार्ड नंबर 7 में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं मधेपुरा एसपी ने पूरे मामले को संदिग्ध बताया है। गम्हरिया थाना में आवेदन देते हुए सुपौल के पिपरा थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 7 निवासी पीड़िता ने बताया कि वह गम्हरिया के बबनी बाजार खरीदारी करने को आई थी। सामान खरीद कर वापस जाने के क्रम में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िता ने बताया कि कुल 4 लड़के थे, जिसमें से मुकेश कुमार और गजेंद्र कुमार को उन्होंने पहचान लिया है। हम सर देख ले अपन खार से निकल जाए छे जोश बोलन जे सुन सर देख निकल रही है कि पीछा से जटा पर खींच दल खींच दल के गिर गेलिए मठना गिर गेलिए कि बस मुंह का दाब दल के सारे से मुंह का ढेर दल चबाट को खींच दल के पटवा में दोनों सर से पटवा छे। कौन जगह बेली घटना बाबू जी पछे के सब रहे चिन लिए रहे नहीं दो लड़का का नहीं चिन लिए हम दूटा के रहे और दूटा तो हम केस ले रहे गजन रहे पहले से भी कोनो मामला रहे गाड़ से मामला तो शादी भी यार से फसवाल से लड़ाई झगड़ मार एक बार करियो यही हो। इधर पीड़िता के पति का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों से उनका कई कारणों से मनमुटाव चल रहा है, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। हम नहीं थे, हम बबनी किया था, तो जब यहां से बहुत बंदे बबनी वाले सब उठा के उसको गाड़ी पे प्रशासन आया, उसको ले गया, उसके बाद हॉस्पिटल ले गया गम्हरिया हॉस्पिटल, उसके बाद हमके पास फोन किया, तब हम यहाँ से किसी का गाड़ी करके फिर हम हॉस्पिटल गए, तब वहाँ से फिर वो मधेपुरा हॉस्पिटल वहाँ ले गया। ये घटना शादी से लेके हुआ, उससे के बाद शादी के बाद हमको मारपीट हुआ। किसकी शादी को लेके? मेरे लड़की का शादी के। क्या हुआ था उसका? शादी हम नहीं करने चाहते थे अभी, और ये लोग सब जबरदस्ती कर दिया। उसी पे जो भी हम समाज को किसी को भी कहने नहीं दिया जो क्यों हमारा लड़की का शादी किया। हम इसके बहने को बोला जो किया हमारा मादा चोद बहने किया, इसी पे हमको जो है मारपीट किया। उसके बाद एक हफ्ते के बाद ये काम हुआ। वहीं सरेशाम हुए इस घटना के बाद चर्चाओं का माहौल गर्म है। कई ग्रामीणों का कहना है कि महिला द्वारा दुष्कर्म की झूठी अफवाह फैलाई गई है। उसने खुद इस घटना का षड्यंत्र रच पूर्व से चल रहे विवाद में शामिल लोगों को फंसाना चाहा है। मामला तो एक शादी के लेकर के है, पहले उसका बेटी का शादी करवाए थे, वही शादी के उपरांत में ये मामला शुरू है। वो कह रहा था जो अभी हम नहीं करेंगे, लड़का वैसे आएगा आ जाएगा, हम लोग करा दिए जबरदस्ती। जब घर में रहता है बिना विवाह है तो समाज का ये तो मान नहीं रहा, सामाजिक तहत से उसका शादी करवा दिया। किसी का मामला से किसी को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे जो दो लोगों का नाम इन्होंने दिया है आवेदन में और बलात्कार में बोला कि उन लोगों ने बलात्कार किया, उन लोगों से पहले से कोई दुश्मनी थी? इन लोगों कोई दुश्मनी नहीं, बस यही शादी लेकर वो लड़का लोग सारे में इन्वॉल्व था इनकी बेटी के सब। बहरहाल इस घटना की पूरी सच्चाई तो पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट और पुलिसिया पड़ताल के बाद ही खुलकर सामने आएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुनिए क्या बता रहे हैं मधेपुरा एसपी राजेश कुमार। कल शाम को गम्हरिया थाना की पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का हाथ पैर बांध करके पटुआ के खेत में रखा हुआ और मामला सामूहिक दुष्कर्म का लग रहा है। इस सूचना पर हमारी पुलिस गई और जाकर के महिला को हाथ से उठाकर हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में ला करके भर्ती कराई। प्रथम दृष्टया वहाँ पे डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो कहीं पे कोई इंजुरी नहीं पाया और ये भी बताया कि प्राइमरी रूप से अभी रिसेंटली कोई भी इसमें दुष्कर्म का मामला साक्ष्य भी नहीं है,
फिर हम लोगों ने सदर अस्पताल में उस महिला को बुलाकर अपने महिला पदाधिकारी के साथ में एक CS जो है उनको कह करके एक बोर्ड हमने बनवाया और बोर्ड के द्वारा इस महिला की पूरी तरह जांच की गई। वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत हमने उनका कुछ गारमेंट्स वगैरह भी सीज करवाया और साथ में FSF की टीम को भी बुला करके PO विजिट करवाया है ताकि वहाँ से भी कुछ एविडेंस कलेक्शन हो। इसी क्रम में हमारी पुलिस अनुसंधान के दौरान टुकड़ा थाना में गई तो वहाँ एक नई बात सामने आई। पता चला कि इस महिला की 2 बेटी है और बड़ी बेटी जो कि बड़ी बालिग है और उसका एक लड़के के साथ में शौर बाजार में सहरसा में पड़ता है, किसी तरह का चक्कर चल रहा था कुछ, वो बराबर इनके घर पे आया जाया करता था और ये बात वहाँ के पड़ोसियों को इनके रिश्तेदारों को नागवार लगता था। इसी क्रम में एक दिन उस लड़के को पकड़ लिया गया और पकड़ करके दोनों की विवाह करवा दी गई। यह बात लड़की के माता को नागवार लगा जो कि इस कांड की विक्टिम है और वो थाना पे जा करके इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कुछ बकझक धक्का मुक्की भी हुई और दोनों पक्ष थाना पे भी गए, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा मामला को निपटाने का बात कह करके दोनों को पंचायती कराने का भी प्रयास किया गया लेकिन मामला हल नहीं हुआ। और इसी क्रम में ये महिला हमारे सटे बॉर्डर जो गमरिया थाना पड़ता है और वहाँ का गांव एक बवनी गांव है और जहाँ की रहने वाली महिला है वो ठीक सटे हुए गांव है कौशलीपुर, वहाँ से इधर आ गई और आकर के ये वहाँ के लोगों को जो कि इनकी बच्ची को जबरन शादी करवाने में और उनके साथ मारपीट करने में थे उन लोगों को नामजद करके मुद्दा बना दिया गया है। अभी तक अनुसंधान में इतनी ही बातें आई है, हम लोग तमाम बिंदुओं का और भी जांच कर रहे हैं। हम लोग FSL का रिपोर्ट और इनका मेडिकल जांच जो हुआ है उसका प्रतिवेदन भी देखना चाहेंगे, उसके पश्चात हम लोग इस कांड में फिर निर्णय लेंगे। कुल मिला के कह सकते हैं कि बलात्कार का मामला जिस तरह से अफवाह है या फिर अभी प्रथम दृष्टया है मामला बिल्कुल ही संदिग्ध है।